प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, इस दुनिया में तिरंगा झंडा कभी न झुकने पाएगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अलीगढ़ के टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज में एक फ़ोटो गैलरी लगाई जा रही है और साथ ही साथ एक सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है। इस जो फ़ोटो गैलरी की खास बात है कि इसमें जो अलीगढ़ के जो आज़ादी के दीवाने रहे थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में वो शिरकत की थी और जिन्होंने अपनी जान तक दी थी, उनके बारे में भी यहाँ पर विस्तृत चित्रण किया गया है। तो आइए देख लेते हैं हम के फ़ोटो गैलरी में किन किन आज़ादी के दीवानों का चित्रण हुआ है और कैसा है सेल्फी पॉइंट। उदैया साहब, अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान अलीगढ़ में 1804 में ही कर दिया गया था। सतारी के नवाब नार खान के योद्धा उदैया जी ने अंग्रेज़ों की गुलामी से खफा होकर सैकड़ों अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया था। तो अलीगढ़ से उदैया साहब, दूसरा नारायण पंडित हैं, शेरपुर के बहादुर ग्रामीणों ने मार डाले थे 9 अंग्रेज। महबूब खान एवं किशन सिंह, अलीगढ़ में क्रांतिकारियों की गतिविधि को देखते हुए अंग्रेज़ों ने सार्वजनिक स्थान और चौराहों पर लोगों को फांसी देना शुरू कर दिया था। शहीद मंगल सिंह, मेहताब सिंह, गौस मोहम्मद अलीगढ़ की जामा मस्जिद में बेहतर देशभक्त सोए हुए हैं। नारायण पंडित की फांसी के उपरांत विद्रोह का नेतृत्व संभाला महान देशभक्त गौस मोहम्मद खान ने। राजा अमानी सिंह, हसरत मोहानी, अलीगढ़ ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। गंगाधर शर्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहे हैं सहयोगी। अलीगढ़ की देशभक्त वैश्या स्वरूपा उर्फ पगलू, इनके बारे में भी विवरण है। कुंवर नेत्रपाल सिंह, 200 बीघा जमीन दी थी भूदान आंदोलन के लिए। कस्तूरी देवी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गई थी जेल। चोब सिंह, महावीर सिंह, राम कुमार आर्य कुएं में उल्टा लटका कर दी गई थी इन्हें यात्राएं। फांसी वाला कुआ, लाला राजपत राय का अलीगढ़ में आगमन। ठाकुर मलखान सिंह 24 नवंबर 1989 को जन्मे, आज़ादी की लड़ाई में कूदे। बनारसी दास, पुलिस की गोली से जान चली गई थी आज़ादी के इस दीवाने की। टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जैसा आप देख रहे होंगे कि इसमें जो अलीगढ़ वासी हैं वह सेल्फी ले रहे हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कि ये देखिए कितना बेहतरीन सेल्फी पॉइंट है। हमारे जो आज़ादी के दीवाने थे उन सभी के, इसमें अलीगढ़ के भी फ़ोटो दिए हुए हैं जो आज़ादी से जुड़े हुए थे। जी बाबूजी, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, सुंदर सेनानी। अच्छा, कुछ पुरानी यादें ताज़ा कीजिए। पुरानी काफ़ी यादें जो पूछेंगे सब बताएंगे। अच्छा, जैसे कि ये आज यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें जो जो स्वतंत्रता सेनानी दिखाए गए हैं तो उनसे जुड़े कोई वाक्य बताइए। उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ये प्रदर्शनी इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि दिल्ली में भी, दिल्ली से चौगुनी बढ़िया है। स्वतंत्रता सेनानी का आंदोलन अभी मेघदूत में मनाया गया था, मैं वहाँ भी गया था, परंतु ये प्रदर्शनी तो वहाँ से भी बहुत बढ़िया है जहाँ मिनिस्टर साहब आए थे। मैं इनके लिए बहुत आभारी हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और उनके खानदान के बच्चों को, स्वतंत्रता वीरों को इस प्रकार से प्रदर्शित करके ये आयोजन किया गया है। मैं इसके बारे में जो है कहें भूर प्रसन्नता करता हूँ। अच्छा, जो जिनका चित्रण किया गया है यहाँ पे, जैसे ठाकुर मलखान सिंह है, कुछ
छुपा हुआ वाक्य कोई है? ठाकुर मलखान सिंह और नवाब सिंह के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ठाकुर मलखान सिंह और नवाब सिंह का मेरे पिताजी ने 20 साल झोला उठाया, उनकी कृपा से मुझे जो है बनारस काशी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा गया। जी जी, मेरा वहाँ बिना इंटरव्यू के एडमिशन हुआ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय। हिंदुस्तान का वह ऐसा विश्वविद्यालय है जो अंग्रेजों की खिलाफत करने के लिए 1921 में आजकल के अखबार के संपादक जी ने 21 लाख रुपया देकर बनाया था। अच्छा। उसकी प्रस्तावना इसलिए की गई थी जो भी आदमी अंग्रेजों की खिलाफत करेगा वो इस स्कूल का विद्यार्थी होगा। वहाँ के पहले स्टूडेंट जो थे लाल बहादुर शास्त्री थे। अच्छा। और राजा राम शास्त्री थे। उस विद्यापीठ ने हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए 200 MLA पैदा किए, 50 MP पैदा किए, 6 चीफ मिनिस्टर पैदा किए और अनेकों स्वतंत्र सेनानी आदमी गए। मेरे पिताजी ने भी मुझे आज़ादी की लड़ाई में लड़ने के लिए जब मैं 1958 में गोवा मुक्ति आंदोलन का झंडा उठाकर बनारस में जा रहा था तो मेरी गिरफ्तारी हुई वहाँ और गिरफ्तारी करके मुझे जेल में भेज दिया गया 1958 में गोवा मुक्ति आंदोलन में। उसके बाद सन 1960 में गोवा आंदोलन में पुर्तगाल पर विजय पाई और सारे पुर्तगाली हिंदुस्तानी छोड़कर भाग गए। उसके बाद फिर मैंने अपना ये प्रण दर्शन कर लिया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। और मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी थे, ग्रैंडफादर स्वतंत्र सेनानी थे जिसने गढ़ मुक्तेश्वर आंदोलन में भाग लेकर एक अंग्रेज सिपाही और एक उसको जो है कत्ल किया था। मेरे ग्रैंडफादर को गायकवाड़ में जाकर उनकी गिरफ्तारी होकर फांसी हुई थी। मैं उस परिवार का संतान का हूँ। मैंने अब तक 8 गजेट पोस्ट में नौकरी की है और कभी भी महात्मा गांधी के स्कूल में पढ़ने के पास एक पैसा रिश्वत में नहीं लिया। अच्छा। और मैंने कसम खाई थी जब तक मैं जिंदगी में जहाँ भी नौकरी में रहूँगा अपनी नौकरी में से खर्च चलाऊंगा और एक पैसा रिश्वत नहीं लूंगा। जी, जब मैं दिल्ली में बर्थ कंट्रोल ऑफिसर था मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 2800 MBA डॉक्टरों को मैंने समाज सेवा और की पढ़ाकर उनको योग बनाया। जी बस। और पढ़ाने के बाद में उन्होंने भी मेरी बात का पालन किया और हमेशा अपनी डॉक्टरी सेवा में कोई कभी भी किसी मरीज से कोई पैसा नहीं लिया। हम जब तक जिंदे हैं तब तक देश की सेवा करते रहेंगे। जी। और हमारा ये नारा है अरे जमाने जोर लगा ले कितना जोर लगाएगा, इस दुनिया में तिरंगा झंडा कभी ना झुकने पाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जी क्या नाम है आपका? अनामिका। अनामिका, किस तरीके की प्रदर्शनी लगी है, कैसी लगी आपको? आजादी का अमृत महोत्सव के ऊपर प्रदर्शनी आज हमारे कॉलेज में की गई है जिसे सुन करके अच्छा लगा था हमें। और जो यहाँ पर लगाई गई है प्रदर्शनी उसमें डिटेल पढ़ के अच्छा लगा अलीगढ़ के वो सेनानी साहब, यह समय अच्छा लगा था और आजादी के ऊपर जितने भी शहीद हुए थे वो भी बहुत अच्छे लगे थे हमें, सुनने में समझने में बहुत अच्छा लगा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, यहाँ पर जैसा कि एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है तो कैसा लगा, वो आपने खींचा उसमें नहीं खींचा? हमको सेल्फी पॉइंट में सेल्फी खींचा के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की जो गैलरी है ये फोटो गैलरी है ये कैसी लगी? ये भी बहुत अच्छी लगी, काफी अच्छी लगी, काफी अच्छी अच्छी जानकारी दी हुई है इनके बारे में, जो हमारे भारतीय शहीद जो हुए थे उनके बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी गई है। तो हमें ये सब अलीगढ़ के हैं स्वतंत्रता सेनानी उनकी भी जानकारी है इसमें। हाँ जी, सबकी जानकारी है, हमें ये पढ़कर ये देखकर बहुत अच्छा लगा। इनमें काफी अच्छी अच्छी जानकारी है जो कि हमारे आने वाले युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी क्या कार्यक्रम था आज? सहयोग आंदोलन जो 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था आज उसकी जयंती है। आज आज़ादी की लड़ाई बच्चों को बताने के लिए हमने टीका राम कन्या इंटर कॉलेज में एक फोटो गैलरी लगाई है, एक सेल्फी पॉइंट लगाया है ताकि नई पीढ़ी आज़ादी की लड़ाई के बारे में जान सके। तो फोटो गैलरी का क्या यहाँ पे खासियत क्या है इसकी? खासियत ये है कि हमें ये बताया जाता है कि लड़ाई मेरठ से शुरू हुई, गदर हुआ, मुगल पार्टी शुरू की, लेकिन आज से
जब से 1857 से 50 साल पहले 1804 में यहाँ पर जो लड़ाई शुरू की थी वो उदैया साहब ने की थी, जिनको 19 सितंबर 1807 में फांसी दी गई और उनको 50,000 रुपये का उस वक्त इनाम घोषित किया गया था, जिसकी कीमत आज 3.5 करोड़ रुपये है। इतना बड़ा इनाम तो किसी आतंकवादी पर भी घोषित नहीं किया, वो देशभक्त उदैया साहब पर घोषित किया था। वो अलीगढ़ के बहुत बड़ी और पहली फांसी मानी जाती है देश की, उनकी याद में हमने ये फोटो गैलरी लगाई है। तो इसमें अलीगढ़ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो देशभक्त थे उनके भी फोटो चित्रण हैं। जी, इसमें पूरे अलीगढ़ की कोशिश की है, हालांकि आज़ादी की लड़ाई को इन चित्रों के माध्यम से पूरा दिखाना संभव नहीं है, लेकिन हमने 30 करेक्टर ऐसे लिए हैं जो आज़ादी में जिन्होंने योगदान दिया है। तो उनका यहाँ पे चित्रण है। जी जी। अच्छा, ये एक दिन की है या कितने दिन? यह इस कॉलेज में 1, 2, 3 अगस्त 3 दिन रहेगी, क्योंकि इसमें 4,000 बच्चे हैं तो 3 दिन में 4,000 बच्चे देख पाएंगे। हमारी ये कोशिश है कि इस जनपद के सभी कॉलेजों में धीरे धीरे करके ले जाएं, जिससे हम 1,00,000 बच्चों तक अपनी पहुँच को बढ़ा सकें। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।